इस वीडियो में कुछ लोग मिट्टी में सने नजर आ रहे हैं। उन्हीं लोगों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं। जी हाँ, जरा गौर फरमाइए, ये सीएम साहब ही हैं जिन्हें पहचानने में कई लोग भूल कर बैठे, और जब लोगों ने उन्हें पहचाना तो वो दंग रह गए। सीएम का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। शायद सीएम धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह सार्वजनिक तरीके से सबके सामने अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को उत्तराखंड के नेपाल सीमा से सटे चंपावत के टनकपुर आए थे। सीएम सुबह 9 बजे गांधी मैदान टनकपुर पहुंचे, जहां नवयोग सूर्योदय सेवा समिति द्वारा आयोजित नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा और नवयोग कार्यक्रम में सीएम धामी ने भाग लिया। वहीं उन्होंने चिकित्सा के तहत अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर सबको चौंका दिया। सीएम के साथ नवयोग ग्राम के आयुर्वेदाचार्य ने ये मिट्टी का लेप लगाया और उन्होंने बताया कि इस लेप से कितने फायदे होंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हर जगह दिखाई देते हैं। जब मैं उनको सूर्य नमस्कार कराता हूँ तो सूर्य नमस्कार में वो आगे होते हैं। अभी कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं, कल कबड्डी खेलने लगे थे। आज यह जो प्रथा है, अगर हम इस परंपरा को, इस संस्कृति को अपनाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। बंद होने का मतलब है केवल प्रमुख उसके लिए। अब हम हर चीज़ के लिए, पेट में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कमर में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो 5 तत्व है ये हमारे लिए पूर्ण है, और उसमें मिट्टी जो है इसका लेप आज किया गया है। और देखिए, पूरे देश भर में आज ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में जो उत्तराखंड है, वैसे भी वो 5 तत्वों से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे वायु शुद्ध है, मिट्टी शुद्ध है ना, आकाश तत्व जिसको हम उपवास बोलते हैं। इसके बाद सीएम धामी ने शारदा घाट पर अर्घ भी दिया और लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया और लोगों की समस्याएं सुन जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। पहले तो आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, मैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, लोग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मठ खरीदी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है, और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है, यह पद्धति इसके लिए सबसे बेस्ट। फिलहाल सीएम को यूं मिट्टी में सना देख हर कोई हैरान है, और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। खटीमा से राजेश छाबड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।